दोस्तों एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपां गड्डी या कोई व्हीकल खरीद या बेच देने हैं, उस तो बाद आपां नूं आरसी दी ओनरशिप है जिहड़ी वह चेंज करवानी पैंदी है। तो अज्ज दी वीडियो विच आपां इही गल करांगे कि आपां ओनरशिप किवें चेंज करवा सकते हैं ते की इस लई जरूरी डॉक्यूमेंट है। पूरी जानकारी तुहानूं इस वीडियो विच मिल जाएगी। दोस्तों जे वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो, तुहाडे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दोस्तों सब तो पहले आप कुछ महत्वपूर्ण गल्ल शेयर कर लें कि आपको जी ओनरशिप वो चेंज करवाने की जरूरत की पैंती है, की रीजन है इसके। फस्ट गल करिए दोस्तों, इन एक्सीडेंट केस तुम गड्डी खरीद लें बट ओनरशिप चेंज नहीं कराने, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जो गड्डी एक्सीडेंट होकर आई अगे तो थर्ड परसन की डैथ हो गई है उस एक्सीडेंट में, तो उसका क्लेम भुगतना पै सकता है फ्यूचर में। इसलिए जो गड्डी लो तो उस टाइम ही ओनरशिप चेंज करवा लो, तो आरसी अपने नाम से करवा लो। सैकेंड गल करिए दोस्तों चलान की, तो जिमें कि तुम कोई गड्डी बेचती है तो गड्डी वो चलाई जाता है तो वह चलान काटता या कोई गवर्नमेंट रूल तोड़ता है तो चलान हमेशा तुहाडे पते ते आएगा तो तुहानू वो चलान भुगतना पवेगा। इसलिए दोस्तों यह बहुत ही इंपोर्टेंट वर्क हो जाता है इसमें चेंज कराने का। नैक्सट गल करिए दोस्तों जी इंपोर्टेंट डाकूमेंट की है आपू आरसी अपने नाम से या चेंज करवाने लिए, सब तो पहले अपने कोल होनी चाहिए ओरिजिनल आरसी होनी चाहिए अपनी व्हीकल की, तो उस तो बाद व्हीकल टैक्स नंबर अपने कोल होना चाहिए है, तो इस तो बाद फॉर्म नंबर 28, 29 और 30 फॉर्म अपने कोल होने चाहिए ने। तो नैक्सट जिहड़ा व्हीकल की NOC का सर्टिफिकेट अपने कोल होना चाहिए है, इस तो बाद ID प्रूफ जिहड़ा गड्डी बेच रहा है तो जिहड़ा गड्डी खरीद रहा है उसका भी ID प्रूफ अपने कोल होना चाहिए है, तो इस तो बाद अपने कोल प्रदूषण का सर्टिफिकेट भी लाजमी होना चाहिए है, तो सैल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दोहां वल्लों यह फॉर्म भी सिग्नेचर किया होना चाहिए है। तो इस तो इलावा दोस्तों एक इंपोर्टेंट जानकारी तुम्हें देना चाहना, मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके तुम पैसा किमें कमा सकते हो इसकी वीडियो मैं अपने नए चैनल मनू मोड़ यूट्यूब पर पाँगा रहना। जे तुम सीखना चाहते हो कि यूट्यूब पर अर्निंग किमें होंगी है तो साढ़े चैनल में सबसक्राइब कर लो, जिहड़ा कि तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाओ, वीडियो के एंड वीडियो भी मिल जाओ दोस्तों। तो हूँ सारे डाकूमेंट कलैक्ट करके आप करना कि जो नैक्सट प्रोसैस है दोस्तों, हूँ तुम अपने नेड़े के RTO ऑफिस जाना पवेगा तो उत्थे फाइल सबमिट करनी है, तो RTO ऑफिस वालों तुम्हें एक रिसिप्ट दी जाएगी, तो इन 15 डेज के अंदर अंदर थोड़ी न्यू आरसी है जी डाक थ्रू थोड़े पते उपर पहुँच जाएगी, थोड़े घर डिलीवर कर दी जाएगी। ओके दोस्तों इन्ना जहाँ प्रोसैस है ऑफलाइन का, तो जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो, तो वीडियो में लाइक कर लो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है।